बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 5 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मैस ऑफ द अर्थ। स्टूडेंट, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग बहुत दफ़ा आया हुआ है, तो इस टॉपिक को ज़रा ध्यान से समझिएगा। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। मैस ऑफ द अर्थ को करने से पहले हम इसकी डायग्राम को समझ लेते हैं, ताकि हमें इसकी डेरिवेशन करने में, इसको कैलकुलेट करने में आसानी हो। सपोज करें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, एक अर्थ है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास अर्थ है उसका जो हमारे पास मैस है वो हमारे पास क्या है, एम ई। इसको हम कहते हैं मैस ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट प्लेस किया। स्मॉल ऑब्जेक्ट जिसको हम प्लेस करते हैं उसका जो मैस होता है उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। हमने क्या करना है, मैस ऑफ द अर्थ में अर्थ का मैस लिया वो हमारे पास कैपिटल एम ई है। अर्थ की सरफेस के ऊपर एक मैस ऑब्जेक्ट का रखा जिसको हमने स्मॉल एम किया। यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, आर। यानी ये कैपिटल आर जो है ये हमारे पास अर्थ का रेडियस है। मैस ऑफ द अर्थ को करने से पहले मैं एक दफ़ा दोबारा आपको इस डायग्राम में बता देती हूँ। हमने क्या किया, अर्थ का मैस लिया जो हमारे पास कैपिटल एम नहीं था। ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, अर्थ की सरफेस पर प्लेस कर दिया, उसे हमने स्मॉल एम कहा। अर्थ की मैस में और जो ऑब्जेक्ट का मैस है उनके दरमियान में जो रेडियस था उसे हमने आर कह दिया। स्टूडेंट, हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो एफ है वो किसके इक्वल होता है, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू ओवर और स्केयर। ठीक है, हमने ये लिख दिया था। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या कहा, मैस ऑफ द अर्थ की बात कर रहे हैं। अब मैस ऑफ द अर्थ के मुताबिक हम इसको अरेंज करके लिखते हैं, एफ वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जाहिर सी बात है वो भी आएगा। एम वन को हमने कह दिया हमारे पास ऑब्जेक्ट का मैस, यहाँ पर लिख देंगे एम, और एम टू को हमने कह दिया वो क्या है, अर्थ का मैस, यहाँ पर लिख दिया एम ई ओवर आर स्क्वेयर। ठीक हो गया। अब देखिए हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ के मुताबिक हमने क्या पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, न्यूटन के लॉ के मुताबिक हमने देखा था जो हमारे पास एफ है वो किसके इक्वल होता है, यानी जो फोर्स होती है वो हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट का मैस होगा वो डाउनवर्ड एक्ट करता है ग्रेविटी की वजह से, तो वो किसके इक्वल होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। अब सिंपल हमने करना क्या है, हमने जो फोर्स की वैल्यू है यानी इक्वेशन नंबर टू को हमने वन में पुट कर देना। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पुट इक्वेशन टू इंटू वन। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन टू को इसमें वन में पुट कर देते हैं, यानी जो एफ है एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है, एम जी। एफ की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे एम जी इज इक्वल टू जी एम एम ई ओवर आर स्क्वेयर। अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पर, देखें यहाँ पर भी स्मॉल एम है, यहाँ पर भी स्मॉल एम है, ये क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, तो पीछे हमारे पास क्या बच जाता है, पीछे हमारे पास बच जाता है जी इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर स्क्वेयर। अब हम देखते हैं कि हमारा टॉपिक क्या था, हमारा टॉपिक था मैस ऑफ द अर्थ, यानी हमने क्या करना है, अर्थ का मैस फाइंड करना है, यानी हमने एम ई फाइंड करना है। सिंपल हम क्या करेंगे, आर स्क्वेयर यहाँ पर डिवाइड में यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, लिख देंगे जी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू जी एम ई। एम ई हमारे पास मैस ऑफ द अर्थ है, चूँकि हमने मैस ऑफ द अर्थ फाइंड करना है, सिंपल हम एम ई इधर ले जाएंगे इज इक्वल टू जी आर स्क्वेयर ऊपर आ जाएगा और कैपिटल जी हमारे पास नीचे आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मैस ऑफ द अर्थ का फार्मूला। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि मैस ऑफ द अर्थ की जो वैल्यू कैलकुलेट करती हैं वो किस तरह करती हैं। अब हम यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं एम ई, सिंपल जी की वैल्यू क्या होती है 10, वो हमने यहाँ लिख दी, मल्टीप्लाई। अर्थ का रेडियस हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, ये आप लोगों ने याद रखना है, और वो होता है हमारे पास 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 का स्क्वायर, और कैपिटल जी हमारे पास कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, और वो होती है 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11।
अब मैस ऑफ द अर्थ है तो हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 6.0 मल्टीप्लाई 10^24। चूँकि मैस की बात की है तो मैस का यूनिट क्या होता है, केजी, इसलिए हम इसके साथ केजी लिख देंगे। अब जो बेसिकली हमारे पास आ गई है वैल्यू, ये हमारे पास आ गई है मैस ऑफ द अर्थ की वैल्यू। स्टूडेंट ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इस टॉपिक को अच्छे तरीके से करना है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बन कर आ सकता है, हाउ कैन वी डिटरमाइन द मैस ऑफ द अर्थ। ओके स्टूडेंट्स, मैस ऑफ द अर्थ यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब हम इसके साथ ही कर लेते हैं वेरिएशंस ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं वेरिएशंस ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, ठीक है। जब हम हाइट की बात करते हैं इट्स मीन हम एल्टीट्यूड को क्या कहते हैं, हाइट। वेरिएशन का मतलब होता है चेंजिंग। अब हम बताते हैं कि वेरिएशंस किस तरीके से आ सकती हैं। जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं ग्रेविटी की वैल्यू किस तरीके से चेंज होती है, इसको भी हम एक क्या कहते हैं डायग्राम से समझते हैं। सपोज करें स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, अर्थ। अब देखिए अर्थ का मैस तो आप सबको पता है, अर्थ का मैस जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, कैपिटल एम ई। आगे हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, अर्थ की सरफेस पर प्लेस किया। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ऊपर प्लेस करेंगे। यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट ले जाते हैं, उसका मैस क्या है, स्मॉल एम। अब याद रखें यहाँ से लेकर अर्थ का सरफेस तक डिस्टेंस जो होता है वो हमारे पास कैपिटल आर होता है, यानी जो हमारा रेडियस होता है वो कैपिटल आर होता है। अब हम बात करते हैं कि जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, ऊपर जाता है, तो इट्स मीन वो कहाँ पर आ जाता है, वो उसकी हाइट में आ जाता है। तो उसकी जगह हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एच लिख देंगे। अब अकॉर्डिंग टू हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में देखा, उसमें हमारे पास क्या था कि हमारे पास जो एफ है वो इक्वल है जी एम एम ई ओवर आर स्क्वायर। ऐसी ही बात थी। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग हुई है। थोड़ी सी चेंजिंग क्या हुई है, हमारे पास फार्मूला हो जाएगा एफ इज इक्वल टू जी एम एम ई आर स्क्वायर। सिर्फ रेडियस की बात की थी, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें, यानी आर की जो रेडियस है उसमें क्या ऐड कर देंगे, उसकी हाइट। तो हम लिख देंगे आर प्लस एच होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिए वेरिएशन ऑफ जी जब एल्टीट्यूड के साथ आएगा तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। इट्स मीन जब जहाँ पे हाइट की बात करती होती है वहाँ पे हमारे पास एल्टीट्यूड की बात होती है। और ये कॉमन सेंस की बात है कि आपको पता है कि जब भी कोई बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट सरफेस से, अर्थ की सरफेस से दूर जाता है, तो उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो क्या होती जाती है, वीक होती जाती है। अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। जैसे ही बॉडी दूर जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी। एक और चीज़ इसमें समझिए, जो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल है उसका जो रिलेशन होता है वो हमारे पास होता है इनवर्स रिलेशन होता है उसके रेडियस के साथ। यानी अगर हम रेडियस को 2 times बढ़ा दें, सिंपल 2 times बढ़ाएं तो 2 का स्क्वायर लें तो आ जाएगा जी डायरेक्ट रिलेशन 1/4, यानी 1/4 अर्थ की ग्रेविटेशनल इंक्रीज होती है। ठीक है, जैसे जैसे हम अर्थ का रेडियस बढ़ाते हैं, अगर सपोज करें कि अगर हम जी की वैल्यू को कर देती हैं, रेडियस की वैल्यू को हम कर देते हैं 3, जब हम 3 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास जो ग्रेविटेशनल होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/9 होगी इसकी वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास टॉपिक था वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।